पतला सा रास्ता था बिल्कुल नन्हा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस क्या हाल चाल है आपके, आयु ठीक है। आज हम जाने वाले हैं पहलगाम और आपने श्रीनगर का ब्लॉग देखा होगा। तो गाइस तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, आयु ठीक ही लगा होगा। निकलते हैं पहलगाम और कपड़ा वपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने टूर पे। और ये टूर जो है पहलगाम का 2 दिन का होने वाला है टुडेज, और फिर गाइस निकलते हैं पहलगाम, बहुत मज़ा आने वाला है। ये है सेब का बाग, अब ये रास्ते में रुके हैं, सेब का जूस पीते फिर निकलते हैं। सेब ही सेब, माशाल्लाह बढ़िया लगा। पेड़ पे पत्ते हैं। तो गाइज इस टाइम जो है हम जा रहे हैं अपने सलमान भाईजान की फिल्म देखी होगी बजरंगी भाईजान, तो उसमें जो दरगाह दिखाते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं वहीं, अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं बहुत सारी, थक गए, मिलते हैं वहीं। पता नहीं गाइज अभी कितनी दूर हो गए, बहुत ही ज़्यादा थक गए यार, सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं, मार्केट है सब, हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, वेट का काम कर रहे हैं। 10-15 मिनट में चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए, सांस तो लोकर हो रहा है, चला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। तो गाइस दरगाह पे, तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं दरगाह, जिधर सलमान भाईजान की शूटिंग हुई थी मूवी की, और कव्वाली कमरे पर बैठ चुके हैं और हमें शूट बता रहे हैं, अब अंदर जा रहे हैं, देखते हैं वीडियो बनाने देते हैं, हमारे तो भी लोग अधूरा रह जाएगा। ये रिवर दरगाह, चलो देखते हैं, थोड़ा व्यू व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ बजरंगी भाईजान की शायद कव्वाली हो रही थी, यहाँ फैजी भाई, यहाँ बजरंगी भाईजान की कव्वाली हो रही थी, है ना? हाँ वही है। मैं भाई वो दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ, सॉरी भाई साइड पर भी। ओ भाई ये देखो गाइस क्या व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो गाइस एक नंबर नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया व्यू है। और ये दरगाह है हमारी भाईजान की, यहाँ एक मूवी की शूटिंग हुई है, मुन्नी को जो लेकर बैठते हैं यहाँ बैठते हैं, वो यहाँ कव्वाली होती है। भाईजान चढ़े कैसे थे जीने, हम तो इतने थक गए और कितने थके होंगे फिर, भाई रॉक स्टार है वो, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा थके होंगे। अभी हम रुके हैं उस नदी पे जो नदी बॉर्डर से आ रही है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से जो आ रही है, जहाँ पे भाईजान को पाकिस्तान से इंडिया में भेजा जाता है, और वहाँ पर जो नदी है बीच में, वो नदी जो है हम वहाँ रुके हैं, मतलब आ रही है वहाँ से रास्ते में, बड़े वो दिखाता हूँ आपको, देखेंगे पे बोटिंग भी होती है, और तुमने देखा होगा वीडियो में रील्स में कि लोग बहुत बनाते हैं, पर ये वही नदी है जो बॉर्डर आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के, यहाँ से बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है थोड़ी। तो गाइस चलते हैं पुल से नीचे को, चलते हैं हम पुल पर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस, काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ का। ये देखो इस टाइम मैं पुल पर हूँ, वही फीलिंग, मतलब इस पुल पे पहली बार आया हूँ मैं, थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है, मतलब ऐसे पुल पे पहली बार आया हूँ। ये देखो भाई यहाँ का व्यू, नेक्स्ट लेवल व्यू है यार, पानी की आवाज़ सुनो तुम, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट कोई रोड निकल चुके हैं बोट ड्राइव के लिए, और भाई क्या मेरे को देख के लग रहा है, नहीं करेंगे कैसे, और ये भाई। तो गाइस चलते हैं हम, अब पहलगाम निकलते हैं यहाँ से, और जो हमें बोटिंग वगैरह करनी है वो वहाँ से आकर के करेंगे, तो मैं शायद इसमें ऐड कर दूँगा वीडियो, देखूँगा ठीक है ना।
अब करेंगे रिवर राफ्टिंग और देखते हैं, वीडियो बनाने देते हैं नहीं क्योंकि मना कर देते हैं। उस दिन कल हमने पूछा था तो मना कर देता, अगले दिन आए हम तो अब रिवर राफ्टिंग करेंगे। उस दिन हो नहीं पाई थी तो मैंने इसलिए वीडियो के बीच में डाल दिया एडिट करके। तो अब रिवर राफ्टिंग करेंगे, देखते वीडियो बनाते हैं, चलो चलते हैं मिलते हैं। गाइस फाइनली हमने टिकट ले ली है, ये हमारे वेट है 3 टिकट 1980 रुपये के और हम जा रहे हैं अभी। और जो है हमारा फार्म वारम भी भरा गया, साइन वाइन लिए हमारे, नंबर लिया है, आधार कार्ड भी लिया है, पता नहीं क्या लिया है। तो अभी हमारा हाथ साफ निकलते हैं फिर यहाँ से। टिकटों पर हमला कर दिया है, जैकेट पहने नहीं है देजी भाई, लल्लियो जरा पहनते हैं ऐसे ऐसे ही, पेटी टाइट कर लो मौसम चेंज होना। देजी भाई, देजी भाई कुर्सी की पेटी टाइट कर ली, जरूर जरूर बहुत टाइट है, एकदम खुल जाएगी, इतनी टाइट है। चल फिर निकलते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए मजा आएगा। राउंड उतर चुकी है, अब हम चलते हैं अपनी राइड पर। 10-15 मिनट लगते हैं, जल्दी कर देना, कोई जल्दी ना आवे। नहीं नहीं आधा घंटा ले, चप्पल मारूंगा उतार के तेरे, तू यहाँ लेके आ गया। करीब हो गई ना, मैं होता दूंगा लग रही है। सिंपल चलती रही, क्या दिक्कत है? वोटिंग कर लो तुम जाके, अभी हो रहा है आगे है। गाइस अभी जो है हमारा जो पॉइंट है घूमने का वो अभी काफ़ी दूर है, तो हम जो है अभी फोटो वगैरह लेंगे नदी के अंदर बढ़ कर पानी में, बहुत ठंडा पानी है, देखते हैं। चलो अभी मैं दिखाता हूँ देख कर। गाइस यहाँ पे जा कर के हम फोटो वगैरह लेंगे, फोटो भी तुम डालना हमारे मज़े ले। Thank you.
बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी भाई, क्या बोले पेड़ जो है ना बर्फ तो हो गए भाई, ठंड लगने लगे हैं, बहुत ज्यादा बर्फ हो रहा है। जिस पत्थर पे मैं बैठा हूँ वो भी पत्थर बर्फ हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी। वैसे बहुत मजा आया, मैं देख कर दिखाता हूँ। गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली रूम पर पहलगाम। तो मैं दिखाता हूं अपना होटल जहां पर हम रुके हुए हैं। ये हमारी गाड़ी पार्क है और ये रास्ता है, ये अपना होटल है। ऊपर पार्क बना हुआ, मैं दिखाता हूं ना आपको क्या परेशानी है। बहुत ही बढ़िया है ये रास्ता, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है पार्क। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ आपको रूम। तो गाइस ये जो है थोड़ा सा सहन है, काफ़ी सही है, बस केरला की तरह नहीं सिर बैठेंगे। चलते हैं आगे को रूम में। केरला तो अलग ही लेवल थी भाई, नेक्स्ट लेवल से केरला का रूम चाहिए, नेक्स्ट लेवल। तो गाइस इसका रूम ये है, ये देखो, ये मतलब ये बेड है ठीक है, और ये है, हमने सामान पे लिया के रख दिया था, और ये टीवी लग रहा है, और ये शीशा है देख रहा हूँ मैं लग रहा है इसके अंदर। फिर और ये वॉशरूम है, ये देखो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है, ठीक है। चलो तो गाइस मिलते हैं अब कहीं और। तो गाइस हम अभी पहलगाम में हैं, और पहलगाम में जो है एक लोकेशन है मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो गाइस अब वहाँ जा रहे हैं, हम निकल गए, वहाँ जाएंगे हॉर्स राइड से। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या वो है। तो चलते हैं, अभी तो मैं रोड पर ही हूँ, बारह है जो भी है अभी। तो गाइस हमारा हो चुका है हॉर्स राइड के लिए मिनी स्विट्ज़रलैंड जाना। तो गाइस चलते हैं, हॉर्स पे मिलते हैं, मतलब घोड़े पे मिलते हैं यहाँ पर। डेबियन चलते हैं गाइस। बहुत ही ज्यादा हो जा रहे, इतनी तेज भाग रहा है, हल्के हल्के चला इसको। अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होना। चलो भाई, तो तू गाइस मिलते हैं जस्ट लोकेशन पे। ये पहलगाम का पुराना गांव है भाई जान, यहाँ का खेती बाड़ी इतना ही है। अच्छा अच्छा, ये तो मिट्टी के घर है ना, ये अच्छा अच्छा। ये देखो गाइस, ये सबसे शुरू का पहलगाम है, और इसको आज तक ऐसी बना के रखा है टूरिस्ट के लिए, कि दिखाने के लिए कैसा होता था पहले का पहलगाम। ये देखो गाइस पुराना पहलगाम है, काफी पुराना, और ये रास्ता आ रहा है बड़ी खतरनाक। हाँ हाँ अच्छा, तो मैं गाइस रख लेता हूँ भाई जेम। इधर तो आए हम अभी, पतला सा रास्ता था बिल्कुल नन्हा सा। पुराने जमाने में जब ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करते थे ना, हमारे बुजुर्ग लोग यहीं से जाते थे भाई बाग श्रीनगर। अच्छा, दो दिन का सफर, एक दिन जाने का एक दिन आने का। अच्छा, तो भाई जो बता रहे हैं जब इनके वो करते थे ना, मतलब जो भी होता है, तो एक दिन का सफर होता था आने का, एक दिन का जाने का। ये देखो भाई व्यू, लेना भाई सलामत हो। ये कबूतर वगैरह है, रैबिट है भाई, कितनी तेज भाग रहा है ये। ये जी भाई की बैक साइड से वीडियो निकल गई,
मेरा नहीं गिरने का, मैं बहुत टाइट पकड़ता हूँ, काफी मजा आ रहा है। इधर साइड का व्यू देखो, हवा चेंज कर ली थी, कोई नहीं फनी के लिए करी थी। अच्छा अच्छा, ओ भाई सानू। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाईसरन, ये देखो सामने, और यहाँ पे 8 फुट 6 फुट बर्फ होता है सर्दी में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड, जिसे जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो आपको, बहुत ही बढ़िया होता है, बर्फ होती है यहाँ दिसंबर जनवरी में 8-8 फुट बर्फ होती है, बहुत ही बढ़िया है, हम दिखाते हैं देखिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड के अंदर, और गाइस देख सकते हो आप कितनी बढ़िया लोकेशन है, और गाइस यार व्यू देखो आप, कुछ मत देखो, व्यू देखो यहाँ का बढ़िया है ना, लोकेशन व्यू वगैरह सब ग्राउंड है भाई, एक नंबर लग रहा है। कभी आओ कश्मीर यहाँ जरूर आना, एडवाइस दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एडवाइस दे रहा हूँ। दिख रहा है सब, कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है आपको, इधर कमेंट में बताना ही बताना है गाइस, आपको कैसी लगा जगह, नजारे देखो गाइस कितने सुंदर है, कभी आओ यहाँ और पहाड़ों के मजे लो, और यूपी को भूल जाओ, जिंदगी सिर्फ पहाड़ों में अच्छी लगती है गाइस, और कहीं में नहीं अच्छी लगती। आई लव इट पहाड़। पहुंच गए हैं पहलगाम सेल्फी पॉइंट, और यहाँ थोड़े फोटो वोट लेंगे फिर निकलते हैं हम। तेज भाई किधर जा रहा है, फिर हम किधर जाएंगे अभी धन के बाद, हर्बल वाटरफॉल निकलते हैं फिर, क्योंकि वहाँ से चेकआउट कर लिया हमने, अब हर्बल वाटरफॉल निकलेंगे। ठीक है, पहलगाम सेल्फी पॉइंट है, नदी पहाड़ बढ़िया व्यू है, और क्या चाहिए, जितनी चाहिए जिंदगी में, साल में कपा और ना कि मुझे लो। ये अगर वीडियो में नहीं पता चलता, ये आने के बाद रियल में जब यहाँ की फीलिंग्स लेते हैं ना आगे के, जब पता चलता है हाँ भाई कुछ है यहाँ फोटो लेते।